एलसीबी अकोला द्वारा सोना चोरी मामले में शेगांव के सराफा व्यवसायी को पूछताछ के दौरान बेरहमी से पिटाई, गर्म पानी पैरों पर डालने और अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार मामले में मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ दोषी पुलिस वालों पर तुरंत कार्रवाई की मांग है, तो वहीं अकोला सराफा एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आज एसपी ऑफिस में पहुंचकर एडिशनल एसपी मोनिका राउत से मुलाकात कर निवेदन सौंपा, जिसमें सोना चोरी मामले में की आरोपी श्याम देवी वर्मा के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मंडल ने जानकारी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो वे आंदोलन करेंगे। साक्ष मोक्ष लागोपर्यंत अकोल्याचं सराफ असोसिएशन शांत बसणार नाही। आमच्या बंधावर जो अत्याचार झालेला आहे याचा न्याय मिळण्याकरता आम्ही शेवटपर्यंत लढा देणार। हा अकोला सराफ असोसिएशनतर्फे एक निर्धार करण्यात आलेला आहे। झालेल्या घटनेचा जर यांनी आरोपींना जर शिक्षा दिली नाही तर याच्यानंतर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल असं अकोला सराफ असोसिएशनतर्फे सर्वांना सूचित करण्यात येत आहे। उसके लिए हमने ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल से भी संपर्क कर लिया है, जहाँ तक कि हमारी इच्छा है कि महाराष्ट्र में प्रकरण मीडिया, अगर यहाँ पे हमको जस्टिस नहीं मिला तो हम ये प्रकरण को नेशनल लेवल तक के ले जाएंगे और फिर नेशनल टीवी पे भी इसके इंटरव्यू देंगे और इसको हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे और भविष्य में ऐसी कोई घटना होना नहीं चाहिए उसका हमको पुलिस की तरफ से पूरा पूरा आश्वासन चाहिए। एवढंच नाही, आजही ते पोलिसांच्या सेवेमध्ये आहेत, त्यांची फक्त शेगावरनं पोलीस मुख्यालयामध्ये बदली झालेली आहे आणि त्यामुळे पोलीस खात्यात असल्याने निश्चितपणे ते पुरावे नष्ट करू शकतात आणि म्हणून या दोन्ही पोलिसांचं तात्काळ निलंबन